कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है। है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। चिंगारी मतो, बेलगावी जिले महाजनते के नन्ना नमस्कार, महाताई सवदत्ती यल्लम्मन चरण गल्लीली शिरभागीसी इल्लिन एल संतरिगू नमिसुत्तेने। संत जगत ज्योति बसवेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कित्तूरो राणी चन्नम्मा, बेलवडी राणी मल्लम्मा, वीर सिपाही संगोली रायण्णा मुतान, महापुरुष चरणगिलिगे ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಇದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗೆ ನಾನು ಚಿರೋಣಿ. जो हमने आपको पॉलिटिकल पंडित समझते हैं, राजनीति के बड़े खैरखा समझते हैं, अगर वो ये दृश्य देख लें तो उनको समझ आएगा कि 15 मई को सरकार किसकी बनेगी। ये जनाक्रोश है, एक कांग्रेस के कारनामों के प्रति ये जनता जनार्दन के आक्रोश का मिजाज आज यहां नजर आ रहा है भाई। सरकार बदली थी बीजेपी गली, सरकार बदली से, सरकार बदली से, सरकार बदली से, सरकार बदली से। आज धार छान बाटला वाला सगळ्या माझे नमस्कार। ये पूरा क्षेत्र बेलगावी जिला सामाजिक समरसता की एक मिसाल है। हर परिवार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्यार, जो अपनापन इस क्षेत्र के लोगों ने दिखाया है, वही हिंदुस्तान की सच्ची पहचान है। भाई बहनों,
मुझे इस क्षेत्र में कई बार आने का मौका मिला, आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा नजारा मुझे पहली बार देखने को मिला। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई बहनों, इस धरती की ताकत है कि 1925 में यही पड़ोस में निपानी में बाबा साहब आंबेडकर को भी इस धरती ने आकर्षित किया। भाई बहनों, बाबा साहब आंबेडकर का मार्ग कांग्रेस को कभी मंजूर नहीं था। बाबा साहब आंबेडकर को जितना अपमानित कांग्रेस ने किया है, हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं बहुत कम दिखाई देगी। पंडित नेहरू जैसे दिग्गज बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में पराजित करने के लिए जनसभाएं कर रहे थे। बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा से वो कितने बौखलाए हुए थे, कितने विचलित थे कि अगर हिंदुस्तान की जनता बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचान लेगी तो कांग्रेस के किसी भी नेता की दुकान नहीं चलेगी। ये डर कांग्रेस को नेता और इसीलिए वे कभी बाबा साहब आंबेडकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी आजादी के दीवानों ने जिस कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के जवानी जेलों में खपा दी, महात्मा गांधी के नाम पर अपने व्यक्ति के जीवन के सपने देश के लिए आहुत कर दिए, लेकिन आजादी के बाद एक परिवार ने देश पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पर कब्जा बढ़ा रखा। एक ही परिवार के लोग खुद ही अपने आप को भारत रत्न देते थे, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुष को भारत रत्न देने के लिए जब तक कांग्रेस रही संभव नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार जाने के बाद संभव हुआ। यह कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति रवैया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाहर जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता के बिना छटपटा रही है। इसलिए आज देश में दरारें पैदा करने पर तुली हुई है। देश में भाई से भाई को लड़ाना, उत्तर को दक्षिण से लड़ाना, ऊंच और नीच की परंपराओं को बढ़ाना, जातिवाद का जहर फैलाना और हर दिन एक नया झूठ चलाना। भाई बहनों, हिंदुस्तान के संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपातकाल में आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और आज कांग्रेस झूठ बोल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। कई वर्षों तक हम
हमें देश की सेवा करने का देश की जनता ने मौका दिया। रक्त बनाई अनेक बार सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन हमने तो कभी संविधान की अवमानना तक को स्वीकार नहीं किया है। और आज जो आप चुनाव में झूठ फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के अधिकार ले लेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई देगा, मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं बाबा साहब अंबेडकर ने जो हक दिए हैं दुनिया की कोई ताकत वो हक छीन नहीं सकती है। हर चुनाव हारा जा रहा है, आप जो लोग बातें करते समाज के हकों की, हर किसी को पीड़ा देने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस को परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर के दिल्ली में कैसे चुन करके आ गई। कांग्रेस को तकलीफ है कि हमने इतने साल तक गरीबी के नाम पर दुकान चलाई, गरीबों के आंख में धूल झोंकते रहे, और ऐसा क्या कारण हुआ कि गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। कांग्रेस को तकलीफ हो रही है कि ऐसी कैसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुन करके आई, राज्यों के अंदर उसको बहुमत मिला, आज हिंदुस्तान में लगातार कांग्रेस पराजित हो रही है। इतना सारा भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कर सकती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सारी जनता की ताकत उनको मिली है तो भी क्या कारण है कि उनको पहला ही राष्ट्रपति चुनने का मौका मिला तो पहला राष्ट्रपति भी उन्होंने दलित को चुन करके बिठा दिया, दलित को क्यों राष्ट्रपति बनाया, ये कांग्रेस के पेट में जलन हो रही है। और इसलिए दलितों को गुमराह करना, उनको झूठी बातें उनके गांव में डालना, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। मैं तुम्हारे सबको कहता हूं, अरे सत्ता तो आती है जाती है, देश अजरा अमर होता है, समाज की शक्ति अजरा अमर होती है। देश की एकता तोड़ने का पाप मत कीजिए। हमारे महापुरुषों के प्रयासों से बड़ी मुश्किल से समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ, इसमें सैंध लगाने की कोशिश मत करो। अरे चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीति होती रहेगी, सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन देश होगा, समाज होगा, देश में एकता होगी, देशवासियों के सपने होंगे, तो ही देश का भला होने वाला है। आपकी अपने सपने लेकर के समाज को तोड़ने का प्रयास बंद कीजिए। भाइयों बहनों, हम विकास की राह पर चलने वाले लोग, विकास के बिना समाज का कभी भला नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए, किसानों की दुर्दशा के लिए क्या कांग्रेस के इतने सालों का शासन जिम्मेवार है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो दुर्दशा आई है क्या वो कांग्रेस के इतने शासन का परिणाम है कि नहीं है? क्या सरकार कांग्रेस को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अरे आप सात साल तक राज किया है, जवाब नहीं दे रहे हो, पांच साल से कर्नाटक में बैठे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, और मोदी का जवाब मांग रहे हो? ये चुनाव का नाटक का है। कांग्रेस पार्टी
ने क्या काम किया है, जरा जनता को जवाब दे। ऐसे कैसे मुख्यमंत्री, जब देखो सोते हैं, जब देखो सोते हैं। कोई जिम्मेवारी का नाम और निशान नहीं है। मेहनत हर कोई करता है, थकान हर कोई को होती है, लेकिन जनता के सुख दुख, जनता की चिंता हमें चैन से सोने नहीं देती। और आप सार्वजनिक रूप से सोते हुए करते नहीं है, ऐसे तो आप राजनेता लेकर के आए हो। और इसलिए भाइयों बहनों, ये मौका है कर्नाटक के भाग्य को बदलने का। अब पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार हो, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार हो, तो आप मेरा हिसाब भी मांग पाओगे कि मोदी जी बताइए, अब तो हमने कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार बना दी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनाई, बताओ क्या किया आपने। मुझे जवाब देना पड़ेगा और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, मेरा जवाब मांगने के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब मांगने के लिए भी आप कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। पाई पाई का हिसाब लीजिए हमसे, पल पल का हिसाब लीजिए, और हम अपने वादों को पूरा करके आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, किसान को पानी चाहिए, क्या इन सरकारों की जिम्मेवारी नहीं थी कि पानी का प्रबंध किया जाए, वर्षा का एक बूंद बूंद पानी अटकाया जाए, पानी बचाया जाए, और पानी बचा करके यहां के लोगों के भाग्य को बदलने के लिए कुछ काम किया जाए। आप हैरान होंगे, मैंने आकर के 99 योजनाएं ऐसी खोज के निकाली जो बिल्कुल इसका कोई मालिक ही नहीं था। पड़ा था सर, पानी की संभावनाएं थी, लेकिन पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया के लागत से इन 99 योजनाओं को हमने फिर से आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उसमें 5 तो कर्नाटक की है और 1 तो आपके जिले की रामेश्वर प्रोजेक्ट भी है, आपके जिले का। क्योंकि हमें मालूम है, अगर पानी का प्रबंध ठीक हो तो किसान को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। आप उस बात को नहीं, खाद यूरिया के लिए किसानों को दो दो रात तक कतार में खड़ा रहना पड़ता था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, डेलीगेशन लेके जाना पड़ता था। कुछ राज्यों में यूरिया लेने के लिए किसान लाइन लगा के खड़े रहते, हुड़दंग होता था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। आज 4 साल से हम बैठे हैं, मेरे किसान भाई यहां बैठे, आप मेरे साक्षी हैं। क्या देश में कभी भी यूरिया की कमी है, ऐसी कोई खबर आपने पढ़ी है? समय पर यूरिया पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कारण क्या? कारण कांग्रेस की बेईमानी जिम्मेवार है। कांग्रेस के राज में किसानों के नाम पर यूरिया, किसानों के नाम पर यूरिया की सब्सिडी और किसानों ने नाम पर पैसे जाना, लेकिन यूरिया जाता था धन्ना सेठों के यहां, केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था। और कांग्रेस की और धन्ना सेठों का गठबंधन इतना पुराना है, इतना तगड़ा है कि किसानों के नाम पर बिल फटते थे और मौज धन्ना सेठ केमिकल फैक्ट्री में यूरिया में से दूसरी चीजें बना करके बाजार में बेचते थे। हमने आकर के देखा, ये पाप नहीं चलेगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमने रास्ता निकाला, हमने 100% यूरिया का नीम कोटिंग करने का निर्णय कर लिया।
अब यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारण ये जो नीम की फली होती है उसका तेल निकाल करके यूरिया में मिक्स कर दिया। नीम कोटिंग करने के कारण अब यूरिया कोई केमिकल फैक्ट्री वाले के काम नहीं आ सकता है, कोई चोरी नहीं हो सकती, बेईमानी नहीं हो सकती। अब वो यूरिया सिर्फ और सिर्फ धरती पर किसान को फसल के लिए ही काम आ सकता है। चोरी गई कि नहीं गई, बेईमानी गई कि नहीं गई, भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया, किसानों के नाम पर झूठ चलाया जाता था बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ हमारे दिल में किसान के प्रति सद्भावना संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए इस काम को हम कर रहे हैं। किसान को पता तक नहीं था कि सॉइल हेल्थ कार्ड होगा तो क्या होगा, वो तो बेचारा बगल वाला लाल डिब्बे वाली दवाई डाले तो वो भी लाल डिब्बे वाली दवाई डालता था, बगल वाला पीला पाउडर डाले तो वो भी पीला पाउडर डालता था, बगल वाला गन्ने की खेती करे तो वो भी गन्ना लगाना शुरू करता था, बगल वाला टमाटर लगा दे तो वो भी टमाटर लगा देता था। उसे मालूम नहीं था उसकी जमीन में क्या ताकत है, उसकी धरती माता क्या काम की है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। सॉइल हेल्थ कार्ड दिया हमने, उससे किसान को पता चलने लगा कि मेरी धरती में ये पैदा हो सकता है, ये पैदा नहीं हो सकता है, मैं मेहनत करूंगा तो भी कमा नहीं सकूंगा। और आज मेरे किसान वैज्ञानिक तरीके से कौन सी फसल कहां पैदा कर रहा उसका निर्णय कर पा रहे हैं और मेरे किसान अपने जरूरी पैदावार करने लगे। भाइयों बहनों, पैदावार हुई, किसान को दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बातें बहुत की। स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट सालों से कांग्रेस की सरकार ने अलमारी पर चढ़ा करके रख दिया था और भाषण दे रहे थे। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट निकाला और हमने तय किया कि किसान की जो लागत होगी उसको जो खर्च होगा, अरे परिवार के लोग भी जो खेती में काम करेंगे उसको भी लागत माना जाएगा, उसको भी खर्च में गिना जाएगा, किसी के किराया से ट्रैक्टर लाया वो भी खर्च गिना जाएगा और किसान जो भी खर्चा करेगा एमएसपी 1.5 गुना तय की जाएगी ताकि कभी किसान को रोने की नौबत ना आए। ये काम हमने किया, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया, फसल बोने का समय आया हो, बारिश हुई नहीं, किसान ने सब तैयार करके रखा, खेत जोत के रखा, बीज खरीद के रखे, मजदूर ला करके रखे, सब किया, बारिश आई नहीं। अब कोई कह सकता है फसल तो खराब हुई नहीं, लेकिन क्या किसान भूखा मरेगा क्या। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी लाए कि सब तैयारी की लेकिन अगर बारिश नहीं आया तो भी उस किसान को फसल बीमा का पैसा मिलेगा। भाइयों, पहली बार देश में यह हुआ। हमने ये भी कहा कि फसल तैयार हो गई, खेत में फसल काट कर उसका ढेर कर दिया गया, अब ट्रैक्टर आने वाला है, ट्रक आने वाली है, बाजार जाने की तैयारी हो रही है और अचानक बारिश आ गई, अचानक आंधी आ गई, खराब हो गया। हमने कहा फसल काटने के 15 दिन के अंदर अगर माल खेत में पड़ा है और अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसको भी फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा। भाइयों, ये काम हमने किया। आज कराने लग रहे हैं, 14 लाख से ज्यादा किसानों ने इसका फायदा उठाया है। पहले जो उनको प्रीमियम मिलता था, जो उनको क्लेम मिलता था, अब उनको डबल क्लेम मिला है। भाइयों बहनों, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का गांव समृद्ध होना चाहिए, देश का किसान समृद्ध होना चाहिए, देश का किसान आश्वस्त होना चाहिए और इसलिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। मेरा गन्ने का किसान, ये सारा हमारा मेरे मानस से सटा हुआ, आज दिन योजना बना दी है। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के जिन राज्यों में कभी
चालीस चालीस पचास पचास हजार करोड़ रुपया किसानों के बाकी रहते थे, आज वहां पर समय पर भुगतान हो रहा है। मैं कर्नाटक की सरकार को कहना चाहता हूं, अगर किसानों के प्रति इतना प्यार है तो ये गन्ने की खेती करने वाले किसानों का भुगतान की जरा चिंता करो और बाद में किसानों के नाम भाषण करो। भाई बहनों, इतना ही नहीं, हमने इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया और इसके लिए एमएसपी घोषित किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इथेनॉल का घोषित किया, और हमने देश के किसानों को जो गन्ने की खेती करते थे, अगर शुगर वाले मदद नहीं करते तो इथेनॉल हम मार्केट में बेच करके पेट्रोल में डीजल में 8% तक इथेनॉल का उपयोग करने का हमने निर्णय कर लिया। गन्ने का किसान होगा उसका, उससे गाड़ियां चलेगी तो मेरे किसान को भी इनकम होगी और देश को जो बाहर से क्रूड लाना पड़ता है वो भी नहीं लाना पड़ेगा। एक के बाद एक निर्णय हमने किए जिसका एक परिणाम है कि आज एक के बाद एक कदम हम उठाते चले जा रहे हैं कि बीमारी 7 साल की बीमारी आप छोड़ के गए। हम हर दिन मेहनत करते हैं किसानों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, गांव के जीवन को बदलने के लिए, और आपने देखा होगा जब भी हमारी सरकार का बजट आया हिंदुस्तान के सभी अखबारों ने लिखा ये किसान का बजट है, ये गांव का बजट है, ये गरीब का बजट है, क्योंकि हमारे लिए देश के गांव को, गरीब को, किसान को सशक्त करना ये हमारा रास्ता, इस रास्ते को लेकर के हम चल पड़े हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे सुखुशी है कि येडियुरप्पा सच्चे अर्थ में किसान नेता है, वो अंतर मन से किसान नेता है, वो किसान का दुख सह नहीं सकते, देख नहीं सकते। हिंदुस्तान में किसान के लिए अजब खलक बजट की परंपरा येडियुरप्पा जी ने शुरू की थी। येडियुरप्पा जी आज जब भारतीय जनता पार्टी एक किसानों का मसीहा लेकर के आया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाइए। और आप देख लीजिए जब जब कांग्रेस पार्टी का पराजय निश्चित हो जाता है, अब कांग्रेस पार्टी बचने वाली नहीं है तय हो जाता है, तो उनके गाजे बाजे बजाने वाले, उनके पेरोल पर गुजारा करने वाले मैदान में आ जाते हैं और वो चालू कर देते हैं हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी, त्रिशंकु चुनाव में परिणाम आएगा, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ये सारी भविष्यवाणी गलत हुई है। जब लोकसभा का चुनाव सब कह रहे थे पूर्ण बहुमत ही नहीं सकता भाजपा को, लेकिन ये देश की जनता ज्यादा समझदार है, पंडितों से ज्यादा देश की चिंता उनको होती है और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस मरने वाली हो, पड़ने वाली हो, गिरने वाली हो तो शुरू हो जाते हैं हंग असेंबली आएगी, हंग असेंबली आएगी। भाइयों बहनों, जब कहीं कांग्रेस की सरकार हो और ये हमारे विरोधी हंग असेंबली की बातें करें तो पक्का मानिए कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। ये कांग्रेस को बचाने का एक खेल है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान का दुनिया में डंका बज रहा है, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जर्मनी में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? लंका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्या कारण है? ये सारी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, क्या कारण है? क्या कारण है? अरे कोई कारण नहीं है, कारण आप लोग हैं, जनता जनार्दन।
दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है। अब दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा नेता जब मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। ये ताकत होती है लोकतंत्र की। और इसलिए मैं कहता हूं भाई बहनों, कर्नाटक का भी हिंदुस्तान भर में डंका बजाना है, इसलिए कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। कोई रोक नहीं होना चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, पूरा संकल्प लेकर के बनाइए। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे तो आप हमसे भी हिसाब मांग पाओगे कि भैया मोदी जी आपने कहा था मैं पूर्ण मोदी बनाई, बताओ क्या काम किया बताओ। अगर पूर्ण लोग नहीं होगा तो फिर तो बहानेबाजी करने का मौका मिल जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी बहानेबाजी बनाने का मौका मत दीजिए। उनका जवाब मांगना है आपको, आप भी मालिक है सरकार के, आप भी मालिक है हिंदुस्तान के, आपको जवाब मांगने का हक है। और भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन को जवाब देने की आदि पार्टी है, हमारा स्वभाव है। क्योंकि हम जो कुछ भी है जनता के कारण है, हम किसी परिवार के कारण नहीं है, आप ही हमारा परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, लोकसभा में छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा में जो कमी रह गई इस विधानसभा में दम लगा करके पूरी करनी है। और चिकोड़ी के लोग करके रहेंगे, मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, मैंने सुना कि अभी एक रेड हुई थी और कुकर पकड़े गए, कुकर। हम नेताओं के फोटो के साथ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई ये कौन सा प्रबंध कर रहे हैं, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है, ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं कुकर के नाम पे। मुझे बताइए भाई बहन, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये बेईमानी है कि नहीं है, ये पैसे आपके है कि नहीं है, ये आपके लूटे हुए पैसे बांटे जा रहे हैं कि नहीं बांटे जा रहे हैं, ये पैसे लूटने वालों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने जो लड़ाई छेड़ी है, काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, क्या आपकी मदद मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। कोई राजनेता भविष्य में हिम्मत करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, मैं निकल पड़ा हूं मेरे साथियों हिंदुस्तान में से ये बीमारी को दूर करने के लिए, और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए भाई। आपका आशीर्वाद चाहिए भाई बहनों। मेरे लिए खुशी की बात है, इतना विशाल जनसागर मेरी नजर पहुंचे, मुझे सब माथे ही माथे नजर आ रहे हैं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य, यह अद्भुत विश्वास आपने पैदा किया है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर के कर्नाटक का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, कर्नाटक के लोगों की भलाई के लिए, येडियुरप्पा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। 12 तारीख को घर घर से लोग निकले वोट देने के लिए निकले, झूठ फैलाने वालों को जोरदार जवाब देकर देकर के कमल के निशान पर पलंग दबा करके एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके भाग्य को बनाए। और मैं आपसे चाहूंगा कि स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित कर्नाटक निर्मित होना, पन्नी एलरू गैजो डीसी सरकार बदली सी, सरकार बदली सी बीजेपी गली सी।
ये सारा हमारा मेरे भारत से सटा हुआ। आज की योजना बनानी है, पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के जिन राज्यों में कभी 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपया किसानों के बाकी रहते थे, आज वहां पर समय पर भुगतान हो रहा है। मैं कर्नाटक की सरकार को कहना चाहता हूं, अगर किसानों के प्रति इतना प्यार है तो ये गन्ने की खेती करने वाले किसानों का भुगतान की जरा चिंता करो और बाद में किसानों के नाम भाषण करो। भाई बहनों, इतना ही नहीं, हमने खेलों को प्रोत्साहन दिया और इसके लिए मुफ्त भी घोषित किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इथेनॉल का घोषित किया और हमने देश के किसानों को जो गन्ने की खेती करते थे, अगर शुगर वाले मदद नहीं करते तो इथेनॉल हम मार्केट में बेच करके पेट्रोल में डीजल में 8% तक इथेनॉल का उपयोग करने का हमने निर्णय कर लिया। गन्ने का किसान होगा उसका, उससे गाड़ियां चलेगी तो मेरे किसान को भी इनकम होगी और देश को जो बाहर से क्रूड लाना पड़ता है वो भी नहीं लाना पड़ेगा। एक के बाद एक निर्णय हमने किए जिसका एक परिणाम है कि आज एक के बाद एक कदम हम उठाते चले जा रहे हैं कि बीमारी 7 साल की बीमारी आप छोड़ के गए। हम हर दिन मेहनत करते हैं किसानों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, गांव के जीवन को बदलने के लिए। और आपने देखा होगा जब भी हमारी सरकार का बजट आया, हिंदुस्तान के सभी अखबारों ने लिखा ये किसान का बजट है, ये गांव का बजट है, ये गरीब का बजट है, क्योंकि हमारे लिए देश के गांव को, गरीब को, किसान को सशक्त करना ये हमारा रास्ता, इस रास्ते को लेकर के हम चल पड़े हैं। और इसलिए भाई बहनों, मुझे सुखुशी है कि येडियुरप्पा सच्चे अर्थ में किसान नेता है, वो अंतर मन से किसान नेता है, वो किसान का दुख सह नहीं सकते, देख नहीं सकते। हिंदुस्तान में किसान के लिए अजब ढलक बजे की परंपरा येडियुरप्पा जी ने शुरू की थी। येडियुरप्पा जी आज जब भारतीय जनता पार्टी एक किसानों का मसीहा लेकर के आया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाइए। और आप देख लीजिए जब जब कांग्रेस पार्टी का पराजय निश्चित हो जाता है, अब कांग्रेस पार्टी बचने वाली नहीं है तय हो जाता है, तो उनके गाजे बाजे बजाने वाले, उनके पेरोल पर गुजारा करने वाले मैदान में आ जाते हैं और वो चालू कर देते हैं हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी, त्रिशंकु चुनाव में परिणाम आएगा, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ये सारी भविष्यवाणी गलत हुई है। जब लोकसभा का चुनाव सब कह रहे थे पूरा बहुमत नहीं नहीं सकता भाजपा को, लेकिन ये देश की जनता ज्यादा समझदार है, पंडितों से ज्यादा देश की चिंता उनको होती है और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस मरने वाली हो, पड़ने वाली हो, गिरने वाली हो तो शुरू हो जाते हैं हंग असेंबली आएगी, हंग असेंबली आएगी। भाई बहनों, जब कहीं कांग्रेस की सरकार हो और ये हमारे विरोधी हंग असेंबली की बातें करे तो पक्का मानिए कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। ये कांग्रेस को बचाने का एक खेल है। भाई बहनों, आज हिंदुस्तान का दुनिया में डंका बज रहा है, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जर्मनी में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? लंका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्या कारण है, क्या कारण है? ये सारी दुनिया में भारत के बाहर आई हो
सरकार चुनी है, बहुत बहुत बड़ी सरकार चुनी है। और दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा नेता जब मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। ये ताकत होती है लोकतंत्र की। और इसलिए मैं कहता हूं भाई बहनों, कर्नाटक का भी हिंदुस्तान भर में डंका बजाना है, इसलिए कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। कोई रोक नहीं होना चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, पूरा संकल्प लेकर के बनाइए। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे तो आप हमसे भी हिसाब मांग पाओगे कि भैया मोदी जी आपने कहा था हमने पूर्ण मोदी बनाई, बताओ क्या काम किया, बताओ। अगर पूर्ण लोग नहीं होगा तो फिर तो बहानेबाजी करने का मौका मिल जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी बहानेबाजी बनाने का मौका मत दीजिए। उनका जवाब मांगना है आपको, आप भी मालिक है सरकार के, आप भी मालिक है हिंदुस्तान के, आपको जवाब मांगने का हक है। और भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन को जवाब देने की आदि पार्टी है, हमारा स्वभाव है। क्योंकि हम जो कुछ भी है जनता के कारण है, हम किसी परिवार के कारण नहीं है, आप ही हमारा परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, लोकसभा में छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा में जो कमी रह गई इस विधानसभा में दम लगा करके पूरी करनी है। और चिकोड़ी के लोग करके रहेंगे, मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, मैंने सुना कि अभी एक रेड हुई थी और कुकर पकड़े गए, कुकर। अब नेताओं के फोटो के साथ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, ये कौन सा प्रबंध कर रहे हैं, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है, ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं कुकर के नाम पे, आप मुझे बताइए भाई बहन, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ये बेईमानी है कि नहीं है, ये पैसे आपके है कि नहीं है, ये आपके लूटे हुए पैसे बांटे जा रहे हैं कि नहीं बांटे जा रहे हैं, ये पैसे लूटने वालों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने जो लड़ाई छेड़ी है, काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, क्या आपकी मदद मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। कौन राजनेता भविष्य में हिम्मत करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, मैं निकल पड़ा हूं मेरे साथियों हिंदुस्तान में से ये बीमारी को दूर करने के लिए, और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए भाई, आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है, इतना विशाल जनसागर मेरी नजर पहुंचे, मुझे सब माथे ही माथे नजर आ रहे हैं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य, यह अद्भुत विश्वास आपने पैदा किया है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर के कर्नाटक का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, के लोगों की भलाई के लिए, येदियुरप्पा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। 12 तारीख को घर घर से लोग निकले वोट देने के लिए निकले, झूठ फैलाने वालों को जोरदार जवाब देकर देकर के कमल के निशान पर पतंग दबा करके एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके भाग्य को बनाए। और मैं आपसे चाहूंगा कि स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित कर्नाटक निर्मित होना, पन्नी एलरू गैजो डीसी सरकार बदली सी, सरकार बदली सी बीजेपी गली सी।
सरकार बदली से, सरकार बदली से, सरकार बदली से, आज फार छान बातला मला सगळ्यात माझे नमस्कार. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸಂಗ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೇಸನಿಸಿಕೊಂಡು 5 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಸನಿಸಿಕೊಂಡು 4 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, 3 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, 2 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು. ಕೂಡಲ ಸಂಘನ ಶರಣರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಸಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಹ್ಯಾಕ್ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸುಪುತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಯಾವ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅಂತಾಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ, ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ, ಅವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀದಾ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು, ಒಂದು ದೇಶ ಸುಖದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮೋದಿಜಿಯವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಸುಶಿಕ್ಷಿತಳಾಗಬೇಕು, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತೆಯಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಗಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ, ಆ ಊರನ್ನ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜತ್ರಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 100% ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಂದ್ರು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಕೂಡ ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಿಂದ ತೋಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿ ಪರ್ಸಲು ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವಳಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅವಳು ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಲೆ ಹೊತ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿತದೆ. ಆ 15 ನಿಮಿಷ ಒಲೆ ಹೊತ್ಸ್ಬೇಕು, 15 ನಿಮಿಷ ಚಹಾ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಅವಳದ್ದು ವ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗೋದ್ರು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಜ್ವಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇನೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಲೈಟರ್ ಹೊಡೆದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅವರ ಕನಸನ್ನ ನನಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು, ಧಾರವಾಡ ಸಂಸದರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದಣ್ಣ ಜೋಶಿಯವರು, ಅವರು ಈ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ 5-6 ಸಾವಿರ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ನಂದನವನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಶೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಏನೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಕುಂತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾವು ಜನಸಾಗರನ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಯ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಬರುವ 12 ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆಯಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೇನು ಎಕ್ಸಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಶ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾತ್ಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ರೈತರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯಾದಂತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೌರಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ರಾಜು ಖಾಗೆ ಅವರೇ, ಐಬಡ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2018 May 12 ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಮಗನಾದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಒಂದು 20 ಸಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭ್ರಮಣಾಚರಣೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ 1100 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 36 ಕೋಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂತ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದ್ರ ಗುರು ಪ್ರಸಂಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ವಹಿಸಿ ಮೋದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೌರವ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಸದರಾದ ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಯಾವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಸ್ಯ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
उपजाने वाला है। राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है। राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है। है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है। मोदी आने वाला है। मोदी आने वाला है। मोदी आने वाला है। सरकार बदली सी सरकार बदली से सरकार बदली।